की देह है। हम संसारी लोग सामने चित्र को देखकर हमें निराकार ईश्वर की बात करें तो हमें इतना समझ में नहीं आता, मूर्ति दिखती है तो हमको समझ में आता, तो शब्द वो मूर्ति दिखाता है, शब्द वो मूर्ति है, आंख कान नाक गला सब उसमें चित्र दिखता है, बॉडी दिखती है। तो गीत की जो बॉडी है वो है उसके शब्द, धुन जो है वो खला से शून्य से आती है, वो निराकार है। तो आपको ऐसा लगता है कि इन गीतों को जब लता जी उनका कंठ स्पर्श करता है तो कुछ बात अलग बनती है, या अन्य गायिका जब गाती है तो बात कुछ अलग बनती है? क्यों अलग होती है? तो बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्वेशन है आपका, क्योंकि जब ऐसे गीत बनते हैं जो धुनों के ऊपर शब्द लिखे हैं तो उसमें पहले से ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे आर्टिस्ट चला जाता है। जो कवि होता है उसे बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन हमारी परंपरा इतनी इतनी श्रीमंत है, रिच है कि ऐसे ऐसे कवि थे, शैलेंद्र साहब थे, योगेश जी थे, जिन्होंने धुन पर भी बहुत अच्छा लिखा। लेकिन कई बार वो धुन ऐसी बनती थी, क्योंकि सलील चौधरी जी का जो दिमाग था तो अनप्रेडिक्टेबल, मोस्ट डिफिकल्ट ट्यून्स, तो ऐसी धुन बनी, लेकिन उस पर योगेश जी ने भी अर्थपूर्ण ही लिखा और अपनी गायकी से लता जी ने उसे और भी अर्थपूर्ण बनाया। ये गाना ऐसा ही है, अगर आप इसे बिना धुन के पढ़े तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये गाना है। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसके बाद या छोटी छोटी सी बात, क्या गाना है? न कोई मीटर है, न छंद है, न कुछ, लेकिन जब गायकी में वो ढला तो इतनी सारी खूबियां लता जी ने उसकी हमें दिखाई। अगला गाना लीजिए। अचानक ये किसी
ये बता सकते हैं कि इस गीत में और इस फिल्म के सभी गीतों में मार्चिंग का रिदम क्यों है? ये मार्चिंग का था ना, ये पैटर्न मार्चिंग का है। क्यों संगीतकार कैसे विचार करते हैं? थोड़ा रहे ना रहे, हम मैं जा रही हूँ लेकिन कहे भी ना रह भी नहीं सकती, क्योंकि एक गायिका का वो भी एक अंग है, संगीतकार का टेम्परामेंट क्या है समझिए ना। तो पूरा मार्चिंग में क्यों है ये सॉन्ग? अगर आपने फिल्म देखी है, छोटी सी बात, तो मार्चिंग का मतलब है आर्मी का रूल है, कोई आप किसी के कहने पर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, इसका मतलब है अशोक कुमार जो आर्मी ऑफिसर ही है वो बता रहे हैं अमोल पालेकर को कि कैसे आपको करना है। ड्रॉइंग रूम से बेडरूम तक तीन आसान चालों में ऐसा कुछ है वो, इसका मतलब यह है कि यू आर अंडर माय ट्रेनिंग, सो आई विल रेगुलेट यू, आई विल गवर्न यू, आई विल टेल यू हाउ टू बिहेव। दिस इज द रीजन व्हाई वो मार्चिंग का रिदम है पूरे गानों में।